नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम मौर्य। आप देख रहे हैं गौतम मौर्य जी के। आज हम जा रहे हैं अष्टभुजी पे घूमने। अब हम अष्टभुजी पे आ गए हैं और यहाँ मार्केट से होते हुए हम जा रहे हैं रोपवे के माध्यम से पहाड़ी पर जाएंगे। क्योंकि सीजन इस समय ऑफ चल रहा है, इसलिए मार्केट में थोड़ा सन्नाटा है, बच्चे खेल रहे हैं और दुकानदार बैठे हैं, अपना टाइम पास कर रहे हैं। सीज़न ऑफ होने की वजह से कस्टमर है नहीं। अभी हम पहुंच गए हैं रोपवे स्टेशन पे। रोपवे स्टेशन पे पहुंचने के बाद ही हमने टिकट लिया, जो कि प्रति व्यक्ति 40 रुपये टिकट का है। टिकट ने लिया, हम दो लोग हैं तो टिकट लिया। टिकट लेने के बाद रोपवे स्टेशन पे पहुंच गए हैं। रोपवे स्टेशन पे पहुंचने के बाद फिर देखिए आ रही है ट्रालियाँ, आ रही हैं। अब इसके बाद हमारा नंबर आएगा तो हम बैठेंगे इसमें। भीड़ भाड़ कोई खास नहीं है, खाली ही आ रहे हैं, एक दो आदमी बैठे हुए हैं। अभी सब उतर जाएंगे, उसके बाद फिर हम बैठेंगे। बैठने के बाद फिर रोपवे से हम लोग पहाड़ी पर जाएंगे। तो दोस्तों आप वीडियो देखते रहिए और साथ में वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने से हम लोग का थोड़ा मनोबल बढ़ता है और वीडियो का आनंद लेते रहिए आप लोग। देखिए आ रहा है रोपवे, आ रहा है। अब इसमें हम लोग बैठ जाएंगे। बैठने के बाद फिर पहाड़ी पर पहुँचेंगे। पहाड़ी पहुँचने में बहुत ज़्यादा 2 से 3 मिनट लगते हैं। पहुँच गए हम लोग, पहाड़ी पहुँच के उतर गए हैं। और ये देखिए खाली रोपवे जा रहा है, रिटर्न जा रहा है। अभी हम लोग पहाड़ी पर टहल रहे हैं। पहाड़ी पर टहलते हुए बहुत ही मज़ा आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे हम आसमान पर उड़ रहे हों। यहाँ से हम नीचे देख रहे थे तो बहुत ही सुंदर नज़ारा दिख रहा था, जैसे हम आसमान पे हों और ये ज़मीन बिल्कुल हरी भरी दिख रही है। और हमारे दीपक जी तो लगातार लगे हुए थे अपना वीडियो बनाने के लिए, वीडियो बना के। और हम भी घूमते टहलते देख रहे थे, अगल बगल का नज़ारा देख रहे थे। नज़ारा देखते देखते गायें चर रही थी, गायें चर रही थी और भी बहुत कुछ था, खंडहर थे। देखिए कितना सुंदर नज़ारा यहाँ दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ से हमने देखा थोड़ी दूरी पे एक नया मंदिर बन रहा है, मंदिर बन रहा था। तो हमने सोचा चलो देखते हैं वहाँ पे नया मंदिर क्या है, किस चीज़ का मंदिर बन रहा है। फिर हम यहाँ से मार्केट के रास्ते हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे। देखिए ये मंदिर का गुंबद दिखाई दे रहा है। फिर हम लोग मार्केट के रास्ते, देखिए अभी मार्केट कुछ खुले हैं कुछ बंद हैं, सीजन ऑफ चल रहा है। बेचारे क्या करें, बैठ के बोर हो जाते हैं, अपना कोई बंद करके दुकान बंद करके गया है घूमने, कोई नाश्ता करने गया है। बाकी दुकान थोड़ी बहुत खुली थी। हम लोग यहाँ दोपहर के टाइम आए थे। देखिए मंदिर के पास पहुँच गए हैं। मंदिर देखिए पत्थर रखे हुए हैं, ये देखिए पत्थर पे डिजाइन बना हुआ है, ये सब डिजाइन पत्थर पर तराशे हुए हैं। तो हम लोग वहाँ घूमते हुए पहुँचे और फिर जो कारीगर लगे हुए थे उनसे बात किया, तो भैया आप लोग कहाँ से आए हो, इतनी अच्छी कारीगरी आप लोग कर रहे हो। तो उन्होंने बताया कि भैया हम लोग राजस्थान से आए हैं, हम लोग का यही पेशा है, हम लोग यही कारीगरी करते हैं। ये देखिए पत्थर पर इतना नक्काशी करता हुआ कारीगर। देखिए पहले डिजाइन बनाते हैं फिर उसके बाद नक्काशी करते हैं इस पर। ये देखिए इतनी बारीकी करता हुआ, कितना सुंदर दिख रहा है। एक से बढ़कर एक डिजाइन बने हुए। तो उसके बाद फिर हम लोग गए, सोचा थोड़ा मंदिर में घूम टहल लिया जाए। अंदर मंदिर में घूमने टहलने गए तो फिर पता चला कि अभी मंदिर भाई बंद है, अभी तो मंदिर खुला नहीं है, तो दरवाज़ा बंद था। तो हम लोग को बाहर से घूम के आना पड़ा।
वहाँ से घूम के आए, फिर उसके बाद हम लोग वापस आ गए मार्केट से होते हुए घर को चले आए।